हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ बूस्ट अप साइंस। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की मैं बात करूं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इट इंक्लूड्स ईआर, गॉल्गी, लाइसोजोम, vacuoles, but it does not include mitochondria and chloroplast। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ईआर को, गॉल्गी को, लाइसोजोम को और वैक्यूल्स को, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इंक्लूड नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज द फंक्शंस ऑफ अबव ऑर्गेनेलीज, दीज आर द अबव ऑर्गेनेलीज, not coordinated with functions of ER, Golgi, lysosome and vacuole. So इस endomembrane system के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गॉल्गी आता है, लाइसोजोम आता है, वैक्यूल्स आते हैं, बट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड नहीं होते। व्हाई? बिकॉज इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो इन सभी ऑर्गेनेल्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। सो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम डायग्राम को देखें तो दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से आप देखें तो यहां पर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है अराइज हो रहे हैं। These tubular structure are referred as endoplasmic reticulum. These tubular structures arise from the outer membrane of nucleus. सबसे पहली बात आते हैं कि endoplasmic reticulum जो है वो एक single membrane bound cell organelle है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। So now first would be it is single membrane bound cell organelle, okay। और ये arise कहां से हो रहा है? तो ये arise हो रहा है इस nuclear, इस outer nuclear membrane से। So arises from outer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम देखें तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस साइटोप्लाज्म को दो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक कंपार्टमेंट तो ये है जहां पे आपको ल्यूमन नजर आ रहा है, दिस इज ल्यूमिनल पार्ट, एंड जो बाहर की तरफ पार्ट है जहां पे आपको ल्यूमन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर नहीं आ रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, दिस इज ल्यूमिनल पार्ट एंड दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईआर डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इंटू टू कंपार्टमेंट्स,
इसने दो कंपार्टमेंट्स में इस इंट्रासेलुलर स्पेस को, इंट्रासेलुलर मतलब इस सेल के अंदर के स्पेस को इसने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो है ल्यूमिनल रीजन, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन यानी कि जो पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ है, जो पार्ट साइटोप्लाज्म का है। सो ये ल्यूमिनल पार्ट है और इसके बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। अगर ईआर में हम लोग ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो आपको एक सरफेस की तरफ ये बीड्स नजर आ रही हैं। दीज बीड्स आर एक्चुअली राइबोसोम्स। दीज बीड्स आर राइबोसोम्स। सो ये जो राइबोसोम्स जिस पर्टिकुलर सरफेस पे आपको नजर आ रहे हैं, और बाकी का जो सरफेस है वहां पर आपको राइबोसोम्स जो है अपीयर नहीं हो रहे हैं। सो जिस सरफेस पे राइबोसोम नजर आ रहे हैं, राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं कि इस सरफेस को उन्होंने रफ बना दिया है। दिस सरफेस इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, वाइल अदर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। सो ईआर को हम लोग राइबोसोम के बेसिस पे दो पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज आर ई आर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे आपको राइबोसोम्स मिल रहे हैं, और जिधर आपको राइबोसोम्स नहीं मिल रहे हैं, दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अगर हम लोग बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक टाइप बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड अनदर टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाई इट इज कॉल्ड रफ, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स प्रेजेंट हेयर, एंड इन स्मूथ ईयर राइबोसोम्स एब्सेंट। तो ईआर के इस पर्टिकुलर सरफेस पे आपको राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे हैं। सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, और ये जो सेल ऑर्गेनली ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं सेल ऑर्गेनली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अराइजेस फ्रॉम, कहां से अराइज होता है? तो ये जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो रहा है। और इसने क्या किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, इसने इस इंटरसेलुलर स्पेस को ल्यूमिनल ल्यूमिनल रीजन और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन में इसने इसको डिवाइड कर दिया। ये पार्ट जो है ये ल्यूमिनल रीजन है, ये ल्यूमन आपको नजर भी आ रहा है, और इसके बाहर का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है। जो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो दो टाइप्स हैं। जिस सरफेस पे आपको राइबोसोम्स नजर आए उस पर्टिकुलर सरफेस को हम लोग रेफर करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पर आपको राइबोसोम्स एब्सेंट नजर आ रहे हैं दैट पर्टिकुलर रीजन इज टर्म्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें मालूम है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको दो चीजों में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इट इज रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये रफ नेचर होता है इसका बिकॉज यहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, एंड इट इज स्मूथ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर राइबोसोम आपको एब्सेंट मिलते हैं,
जबकि इन द केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. ओके, वी नो दैट राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स. ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज हैं और ये इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में. जो राइबोसोम होती है वो हेल्प करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में. सो ये प्रेजेंट कहां पर है? ये प्रेजेंट है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, क्योंकि हमने लिखा है इट इज रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन और एंजाइम्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. ये लिपिड्स की फैट्स की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. स्टीरॉइड हॉर्मोन्स यानी कि जिनका नेचर स्टीरॉइडल होता है, सच एज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. दीज आर सम हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स विच आर स्टीरॉइडल इन नेचर. सो इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी फॉर्मेशन जो कर रहा है, इनकी फॉर्मेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स. वॉट इज दिस सिस्टर्ने? सिस्टर्ने आर डिस्क लाइक सेक लाइक पार्ट. दीज आर सिस्टर्ने, इनको बोला जाता है सिस्टर्ने. एंड वॉट इज ट्यूब्यूल? ट्यूब्यूल इज जस्ट लाइक दिस, ये ट्यूबुलर पोर्शन हो गया है, दिस इज ट्यूब्यूल. एंड वेसिकल्स, वो राउंड होते हैं वेसिकल्स. ये राउंड स्ट्रक्चर्स, राउंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेसिकल्स. सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स. ये सिस्टर्ने और कुछ ट्यूब्यूल से ये मिलके बना हुआ है. वेन अगर हम लोग बात करें स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है. वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स, वाइल स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. Now, again, another difference, rough endoplasmic reticulum is not involved in detoxification. It is not involved in detoxification. What is detoxification? Detoxification का मतलब है, कोई toxin cell के अंदर है, उस toxin को remove करना, उस toxin से cell को prevent करना is the process called detoxification. But smooth endoplasmic reticulum is involved in detoxification of cell. It prevents the cell from harmful substances, it prevents the cell from toxins, poisonous substances, while rough endoplasmic reticulum is unable to do so. So rough endoplasmic reticulum jo hai wo detoxification nahi karta hai, jabki smooth endoplasmic reticulum detoxification mein involve hota hai. So now see again, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड वी नो दैट राइबोसोम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम एंड इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड हॉर्मोन्स. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्ने एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स. दीज आर सिस्टर्ने एंड दीज आर द ट्यूब्यूल्स. तो ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है. वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नॉट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज involved in detoxification. It prevents the cell from harmful toxins. And agar baat kare rough endoplasmic reticulum ki, to rough endoplasmic reticulum bilkul nucleus ke paas hota hai. Agar iski location ki baat kare, now ek aur cheez main aapko bata deta hu. Agar iski location ki baat kare,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी लोकेशन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लोकेशन होगी वो लोकेशन होगी टूवर्ड्स न्यूक्लियस, की जो लोकेशन है वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस आपको नजर आएगी, टूवर्ड्स न्यूक्लियस। वहीं अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन की, तो इसकी जो लोकेशन आपको नजर आएगी वो लोकेशन होगी टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म, टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के पास आपको नजर आएगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको न्यूक्लियस के नजदीक मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें ओरिजिन की, तो जो ओरिजिन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ऑब्वियसली हमने देखा भी था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उससे अराइज हो रहा था। तो इसका जो ओरिजिन है वो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये इसका ओरिजिन होता है मेम्ब्रेन की आउटर, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। और अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो जो इसका ओरिजिन है, जो इसका ओरिजिन है वो है फ्रॉम RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर राइबोसोम्स वो अपने रिमूव कर दें, अगर राइबोसोम्स वहां से हट जाए, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में चेंज हो जाएगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो ओरिजिन है वो है रफ ER, रफ ER। सो लोकेशन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस है, ओरिजिन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसकी जो लोकेशन है वो टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म है, और इसका जो ओरिजिन है वो रफ ER है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द गॉल्गी बॉडीज। ओके, नाउ सी अबाउट द गॉल्गी बॉडीज और गॉल्गी एपरेटस। सो दीज गॉल्गी एपरेटस फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट कैमिलो गॉल्गी, जो गॉल्गी बॉडी है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था कैमिलो गॉल्गी। व्हाट आर दीज गॉल्गी बॉडीज और गॉल्गी एपरेटस? दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी। वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्नी, दीज आर सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, एंड दीज सिस्टर्नी आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो सिस्टर्नी है एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, ये फ्लैट डिस्क और सैक्स जो है ये प्रेजेंट है। सो गॉल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दे स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि हमने यहां पर देखा। इट हैज टू फेसेस, इस पर्टिकुलर सिस्टर्नी के अंदर दो पर्टिकुलर फेसेस रहते हैं। वन फेस इज सिस और फॉर्मिंग फेस, एक फेस जो है उसको बोला जाता है सिस और फॉर्मिंग फेस, एंड अनदर फेस इज कॉल्ड ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। अब अगर हम लोग बात करें, दिस इज सिस फेस, दिस इज सिस फेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सिस फेस इज कन्वेक्स इन शेप, इसकी जो शेप होती है वो कन्वेक्स शेप होती है, और जो ट्रांस फेस है, दिस इज ट्रांस फेस। सो दिस ट्रांस फेस इज एक्चुअली कनकेव इन शेप, ये जो ट्रांस फेस है, ये ट्रांस फेस की जो शेप होती है वो कनकेव होती है। सो दीज आर द सिस्टर्नी, स्टैक्ड दे स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस अपर फेस इज सिस फेस विच इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड दिस इज सिस फेस, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस, एंड इट इज convex in shape, while this face is known as trans face and it is concave in shape. So what are the functions of Golgi bodies? The cis face and the trans face are entirely different from each other. ये जो cis face है, जो trans face है, ये बिल्कुल एक दूसरे से entirely different है, but they are interconnected with each other. How?
What is the function of Golgi bodies actually? Principally performs the functions of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets, या तो intracellular targets में उनको transfer करेगी, और secreted outside the cell. इसका काम actually है क्या? हमें मालूम है कि endoplasmic reticulum के अंदर दो particular parts थे, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. जो rough endoplasmic reticulum था वो protein formation में involve होता है, और smooth endoplasmic reticulum lipid की formation में involve होता है. तो ये जो protein और जो lipids हैं, they are actually delivered to the Golgi apparatus. And then Golgi apparatus क्या करता है? Golgi apparatus उनको pack करता है और उनको पर्टिकुलर टारगेट्स तक पहुंचाता है. सो यहां पे हमने लिखा भी है, प्रिंसिपली परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल. मटेरियल्स जो भी पैक होगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये मटेरियल्स को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करता है. जो प्रोटीन और जो लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे तो ये उनको क्या करेगा, ये उनको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करेगा. जो राउंड स्ट्रक्चर हमने अभी पीछे पढ़ा भी था, तो उनको वेसिकल्स की फॉर्म में ये पैक करेगा. नाउ यू कैन सी हेयर ऑल्सो, यहां पे भी आपको वेसिकल नजर आ रहा है. सो ये उनको वेसिकल की फॉर्म में पैक करेगा, एंड जो पर्टिकुलर मटीरियल है वो इसके सिस फेस तक पहुंचेगा. ये क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और जो लिपिड्स हैं वो कहां रीच करेंगे, वो रीच करेंगे टुवर्ड्स द सिस फेस. और उस सिस फेस के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होना स्टार्ट होगा, और इस ट्रांस फेस से वो मटेरियल आउटसाइड द गॉल्गी बॉडी रिलीज होगा. सो इसका काम क्या है? इसका काम है पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स और उनको पर्टिकुलर टारगेट्स पर डिलीवर करना. And it is also involved, not only the packaging and transfer, it is also involved in modification of proteins. ये proteins के अंदर modification भी करता है, ये modification में भी involved होता है. तो not only packaging or transferring the materials, ये proteins की modification में भी involved होता है. साथ ही साथ it is also important site of formation of glycoproteins and glycolipids. तो modification करने के बाद ये जो है glycolipids और glycoproteins की भी formation करता है. And it is also involved in formation of lysosome which is also a single membrane bound cell organelle. So इस lysosome को actually इसको form कौन कर रहा है, इसकी जो formation है उसके अंदर involved होता है Golgi apparatus. So what is Golgi apparatus actually? It consists of sac-like structure. These are called cisternae. They are called cisternae and they stack parallel to each other. One face is called cis face and another face is called trans face. This cis face is also referred as forming face and it is convex in shape. While the trans or maturing phase is concave in shape. और Golgi body का काम क्या है कि जो भी material को pack करना है उसको deliver करने का काम, तो जो ER से proteins और जो lipids आएंगे उनको ये क्या करेगा, ये vesicles की form में pack करेगा. कहां से form करना start करेगा उसको, cis जो इसका face है वहां पर जो proteins हैं lipids हैं वहां पर वो reach करेंगे ER से, ये उनको vesicles की form में pack करेगा, और vesicles की form में pack करता हुआ उनको Golgi body के बाहर वो transfer करेगा, या तो intracellular targets में या cell के बाहर. And it is also involved in the modification of proteins. It is also important site of formation of glycolipids and glycoproteins, and it is also involved in the formation of lysosome. And very important thing, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है but हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि plant cell के केस में, अगर हम लोग plant cell की बात करें तो plant cell के केस में Golgi body को एक important नाम से जाना जाता है, because in plant cells Golgi bodies are abundant. So वहाँ पे हम लोग एक particular नाम use करते हैं, the name is dictyosomes. ये जो नाम है
ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल. ये प्लांट सेल में ये नाम यूज होता है क्योंकि प्लांट सेल में जो गॉल्गी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है. सो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्गी बॉडी. सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी लाइसोसोम. तो इससे आगे के लेक्चर में हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.